السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، हमने गुज़श्ता जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर हमने दो पाको हिंद के अंदर जो मज़ाहिब पाए जाते हैं उनमें दो मज़ाहिब का हमने तारुफ किया, जिनमें एक हिंदुइज्म था और दूसरा बुद्ध मत, या जिन्हें अलबूदिया भी कहते हैं, जिन्हें अलबूदिया या बूदी भी कहते हैं और बुद्ध मत भी कहते हैं, जिनकी ज़्यादातर तादाद जो है वो बर्मा के अंदर, बर्मा जिसको कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं, वहाँ इनकी ज़्यादातर तादाद और ये मज़हब ज़्यादातर वहाँ राइज है। और वहाँ आप देखते हैं कि मुसलमानों को बेदर्दी के साथ जो है वो शहीद किया जाता है, उन पे ज़ुल्म, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ुल्म सितम ढाए जाते हैं। तो ये इनकी अक्सरियत वहाँ भी मौजूद है, और इस तरह हमने कहा कि ये चाइना के अंदर मुख्तलिफ़ लोग, तो हमने हिंदू मज़हब और इसी तरह बुद्ध मत या बोधी जो है उनका तारुफ किया था। आज हिंदुस्तान में ही, पाको हिंद के अंदर ही, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये मज़हब जो है वो फैल चुका है, उसका हम तारुफ करेंगे। कुछ इस हवाले से बुनियादी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने खुलासतन जिक्र करूँगा, और फिर इंशाल्लाह हम किताब से जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किताब में मौजूद नहीं है, जो किताब में मौजूद नहीं है, साहिब किताब ने वो जिक्र नहीं की। सबसे पहली चीज़ वो इस मज़हब का तारुफ, इस मज़हब का तारुफ है, और वो है सिख, जो जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ना आज, ये सिख मत है। सिख मत, जैसे हमने बुद्ध मत पढ़ा था ना, इसी तरह ये सिख मत है। तो ये एक मज़हब है जो हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में उमूमन इनकी कसरत जो है वो पाई जाती है, और इनकी इबादत का और इनका जो पोप है, बड़ा जो इसका बानी है, उसकी कब्र भी पाकिस्तान के अंदर है, और इनका इबादत गाह जो है इनकी वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर हम इनकी सिख मत की, या इसको अरबी में अल सीखिया भी कहते हैं, अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो वो तारीफ क्या हो सकती है? तारीफ ये हो सकती है कि ये हिंदुओं का, ये हिंदुओं की एक मजहबी जमात है, ये हिंदुओं की एक मजहबी या दीनी जमात है जो 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में और 16वीं सदी ईस्वी के शुरू में हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान से मुराद जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान से मुराद पाको हिंद है, हिंदुस्तान में हिंदू मजहब की इस्लाह की गरज से वजूद में आई, हिंदू मजहब की इस्लाह की गरज से वजूद में आई। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, हिंदुओं की वो दीनी या मजहबी जमात जो 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में और 16वीं सदी ईस्वी के शुरू में हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के अकायद की इस्लाह या हिंदू मजहब की इस्लाह की गरज से वजूद में आई, और इनका ये दावा है, और इनका ये दावा है कि उनके अकायद, अफकार और उनकी तालीमात, ये तालीमात इस्लामी और हिंदूइज्म की तालीमात का इम्तिजाज है, का इम्तिजाज है, यानी वो ये कहते हैं कि ये हमारा मजहब जो है ये इतदाल पे है, किन के, हिंदुइज्म और मुसलमानों के दरमियान, यानी उन, वो कहते हैं कि हमने इन दोनों को जमा किया है, ये उनका एक नज़रिया है कि हमारी तालीमात, इस्लामी तालीमात और हिंदू हिंदुआना तालीमात का इम्तिजाज है। इम्तिजाज का माना ये है कि उन दोनों को मिलाकर बनाई गई, ये इसका इख्तिसार के साथ आरोप है। इस मजहब का बानी कौन है? इस मजहब का बानी गुरु नानक है। गुरु कहते हैं बड़ा, और नानक जो है वो मुअल्लिम को कहते हैं, यानी बड़ा मुअल्लिम। तो गुरु नानक जो है इसकी विलादत
1569 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में मिलादी में शेखुपुरा का एक इलाका तलवंडी, वहां उसके मुजाफात या कुर्गो जवार के अंदर हुई। और शुरू में ये जो इस मजहब का बानी है गुरु नानक, कहते हैं कि उन्हें कोई मेहनत की, मुशक्कत करने की, ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी। लेकिन जब उनकी शादी होगी तो शादी के बाद फिर साफ जाहिर है कि सर पे इंसान के जिम्मेदारियां और ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो मुलाजमत भी इख्तियार की, मुख्तलिफ जगहों पे मुलाजमत भी करते रहे। और उसके बाद जो है वो मुलाजमत को छोड़ छाड़ के वो उन्होंने कुछ इस्लाम की तालीमात से मुतासर हुए, कुछ हिंदू मजहब की इस्लाह का भी उनके अंदर एक अजम था। तो बहरहाल उन्होंने हिंदू मजहब की अकायद की इस्लाह और इस्लाम की तालीमात को मिलाकर जो है एक अलग मजहब की बुनियाद रखी। और कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के कई इलाकों की सैर व तफरी भी की, कई इलाकों का विजिट भी किया। उसके अंदर कहते हैं कि वो मक्का के अंदर भी गए, मक्का और मदीना में भी, और हज भी किया उसने। और हज उसने अपनी तालीमात के मुताबिक किया है, अपने नजरियात के मुताबिक किया है। वो मुसलमान नहीं था वो, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों हिंदू थे, असल हिंदुओं से ही माफूज है वो। और ये मजहब जो है सिख मत, ये भी असल में हिंदू मजहब है। उसकी एक शाख आप समझ लें, उसकी एक तहरीक आप समझ लें, जैसे हमारी इस्लामी तहरीकें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, ऐसे आप समझ लें उसकी एक ये दीनी जमात तंजीम है, तहरीक है। बाकायदा ये मजहब नहीं था, लेकिन अब इसको मजहब की शक्ल दी जा रही है, अब इसको मजहब की शक्ल दी जा रही है। बल्कि इस वक्त कहा जाता है वल्लाहु आलम कि 27 मिलियन लोग इसके सिख मत के जो है सिख वो पूरी दुनिया में मौजूद है, ज्यादातर पंजाब में, इंडिया के जो हिंदुस्तान का पंजाब है वहां ज्यादातर आबाद है, पाकिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर इनकी बहुत ज्यादा कसीर तादाद है, और इसके अलावा यूके में, और इसी तरह जो है वो अरब ममालिक में और बरतानिया में और कई दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है ये लोग जो है वो मौजूद है। तो 27 मिलियन बहुत बड़ी तादाद है, 27 मिलियन बहुत बड़ी तादाद है ये। तो ये जो गुरु नानक है, हमने कहा कि ये 1469 में, 1469 में इसकी विलादत हुई, और 1539 में, 1539 में इसकी वफात हुई। इसने यानी गुरु नानक ने करतारपुर का जो माबद खाना है सबसे पहले वो तामीर किया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई सवाल करे कोई भी कि जी सिखों का जो सिख हैं इनका इबादत खाना या माबद खाना वो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले कौन सा तामीर हुआ, तो वो गुरु नानक वो है करतारपुर के अंदर। करतारपुर के अंदर जो जिसको ये अभी पिछले दिनों में खोला गया था बॉर्डर भी वहां का, वहां लोग ये आते हैं बकायदा और अपनी इबादत और पता नहीं क्या क्या वहां करते हैं। तो ये उनका एक आप समझ लें कि दीनी मरकज है, उनका दीनी मरकज है, जबकि गुरु नानक जो है वो वहां नहीं है। गुरु नानक वहां वो जो कहते हैं ना ननकाना साहब, वो ननकाना साहब में है, वो नाम जिसको कहते हैं ननकाना साहब लिखा होता है जगह जगह, बसों वाले भी कहते हैं जी ननकाना साहब आ गया, तो वो वहां है। कहते हैं कि गुरु नानक जो है इसने अपनी वफात से पहले अपना खलीफा और अपना जानशीन जो है वो मुतायन किया था, और उसके बाद फिर इनके जो है वो जानशीन आते रहे। तकरीबन जब 10 के करीब पहुंचे तो इनमें से एक ने जो है वो ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई दोबारा और कोई गुरु नानक नहीं बन सकता, वो मतलब खलीफा नहीं बन सकता गुरु नानक का, जैसा कि उनके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने दावा किया। तो ये इनका इनके मजहब का तारुफ है। इनके अफकार के अंदर कहा जाता है, ये लोग दावा करते हैं, यानी अगर हम इनके अकायद और नजरियात की बात करें तो इनके अंदर एक इलाह का अकीदा मौजूद है, इनके अंदर एक इलाह के वजूद का अकीदा मौजूद है, और ये बुतों की इबादत के बड़े सख्त खिलाफ है, बुत परस्ती के बड़े सख्त खिलाफ है। और इसी तरह इनके यहाँ बराबरी और मुसावात जो है इसकी तालीमात दी जाती हैं, और इसी तरह इनके यहाँ तहारत और गुसल, बाल कटवाना, बाल मूंढना, इसका कोई एहतमाम नहीं।
इसका कोई एहतमाम नहीं, बल्कि ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कह देता हूं कि इनके यहाँ जिस्म के जितने भी बाल हैं, वहां जैसे वो मेंढियां करती हैं ना खवातीन, वो मेंढियां भी कर सकते हैं। अल्लाह मुस्तान, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे, यानी इतनी बड़े बड़े बाल जो हैं इनके इनके यहाँ बकायदा कीस, कीस अरबी में तो कीस शापर को कहते हैं ना, अरबी में कीस शापर को कहते हैं, काफ जो काफ कुत्ते वाला है, काफ कीस, काफ यासी कीस, ये कीस का मतलब क्या है कि विलादत से लेकर वफात तक जिस्म के किसी हिस्से के बाल नहीं मूटने, ना काटने हैं, ना तराशने हैं, ना मूटने। आप जरा सोचें कि जिस आदमी के, जिस इंसान के विलादत से लेकर वफात तक जिस्म के किसी हिस्से के बाल ना मूंडे जाएं ना काटे जाएं, उनका आलम क्या होगा, गुफ्तार का आलम क्या होगा है? वो कहते हैं बालों का आलम क्या होगा कि जिन बालों को विलादत से लेकर वफात तक ना मूंडा गया, काटा ना गया। मूछें तो ऐसे जैसे साइकिल का हैंडल होता है, और बाकी तो अल्लाह मुस्तान। नाखून है, आप नाखून देखें, अगर नाखून जो है वो चंद दिन के लिए ना काटे जाए तो बड़ी अजीब सी कैफियत बन जाती है, लेकिन शायद इन लोगों से मुतासिर होकर आजकल एक फैशन भी बन चुका है कि खवातीन ने वो अपने हाथों के नाखून, कुछ ने मस्नूई लगाए होते हैं और कुछ ने जो है वो अपने बढ़ाकर ऐसे किए होते हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे वो मस्नूई होते हैं, ऐसे जैसे किसी के साथ जंग करनी होती। मुझे बताएं कि जिस खातून या जिस मर्द के, मर्दों ने भी अपना ये अंगूठे का या अपने जो आधी छोटी उंगली है उसका नाखून बड़ा छोटा होता है। अब मुझे बताएं कि जिसके हाथ के अंदर बड़े नाखून हो, मैं असल में जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये कि उसकी तहारत के मसाइल जो हैं उसके अंदर जरासीम नहीं आएंगे, और खवातीन तो आटा गूंथती हैं, उसके घर वालों की खैर नहीं कि जिसके इतने बड़े बड़े नाखून हो और उन नाखूनों से इस्तंजा भी करे, सब कुछ करे, और वही आटे में जाके डाल दे। ये बातें मैं ये अफसोस से कह रहा हूं कि ये फैशन बन चुका है, बस घर की खवातीन जो हैं इतने बड़े बड़े नाखून छोड़े होते हैं और उसी के साथ तहारत और इस तरह के मसाइल कर रही हैं, और वही जाके आटे में शामिल कर रही हैं। इस वजह से उन्होंने आज मशीनें निकाल दी, चले मशीनें, वो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो वो मशीनें निकाल दी और वो आटा गूंद देती हैं, और रोटी लगाने वाली भी आ गई हैं। मशीनें तो बस ठीक है, काम चल गया है, अब चले नाखून बड़े बड़े रखें। उन्होंने देखें, ये नहीं कहा कि आप नाखून काटो, इस पे ज्यादा जोर नहीं देते हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं और जो दीगर लोग हैं। अब ये क्या वबा नहीं, क्या ये बीमारियों का मूजिब नहीं बन सकती चीजें, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वो जब कोरोना आया था तो सबके साथ सब ना मिलाओ, कदम के साथ कदम ना मिलाओ, वो मतलब ये सारी चीजें बड़ी हमें याद आ जाती हैं, दीन के मसाजिद को बंद कर दो, फलां ये कर दो, वो कर दो, उस तरफ हमारा फौरन ध्यान आता है, लेकिन इस तरफ हमारा कभी ख्याल नहीं जाता। नाखून इतने बड़े बड़े छोड़े हुए हैं, मैं अगर ये कहूं कि 2 इंच के, 3 इंच के नाखून, 2 उंगलियों से भी बड़े बड़े नाखून बाज खवातीन के मैंने, बाज मर्दों के मैंने देखे। अल्लाह मुस्तान, तो इनसे लगता है मुतासर हुए, इनसे मुतासिर हुए। इस वजह से हमारे इस्लाम के अंदर जो जेरे नाप बाल हैं उनको मूंढने का हुक्म, बगलों के बालों को खींचने का हुक्म है, या मूंढ लिए जाएं, क्योंकि ये बाल ऐसे मुकाम पे होते हैं जहां गिलाजत, नजासत और मैल कुचैल जमा होती है, और शरीयत ऐसी जगहों पे बाल मूंढने का हुक्म देती है जहां बाल इंसान की जीनत है, हमने उनको मूंढना शुरू कर दिया और मूंढने को जीनत बना लिया, और जहां बाल मूंढना जीनत है वहां हमने बाल छोड़कर उनको जीनत समझना शुरू कर दिया। अफसोस है तो फैसी अकलों पर कि जहां बाल मूंढने में इंसान की तिब्बी मेडिकली फवायद हैं, सेहत के लिए मुफीद है, वहां हमने छोड़ने शुरू कर दिए, और जहां जीनत है इंसान की उनको हमने मूंढने में जीनत समझा। वो कहते हैं ना, वो एक शेर पढ़ते हैं, वो एक शेर पढ़ते हैं, मैं ये जो इस तरह के जो मगरिब से जो मुतासिर हैं और मगरबी अफकार से जो मुतासिर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसने कहा, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है।
मुजक्कत मुअन्नस को, मुअन्नस को मुजक्कत। तो बहरहाल हम मौजू की तरफ आते हैं, तो ये इनके मजहब के अंदर बकायदा, अच्छा ये क्यों ऐसा करते हैं? वो कहते हैं कि जो हमारे गुरु थे ना, जो बड़े थे, वो भी ऐसा ही करते थे, वो भी पहुंची सरकारें थे। क्या करते थे जी? बाल नहीं मोड़ते थे। क्या करते थे जी? कच्छा पहन के रखते थे। ये कच्छा जो है ये इनका इम्तियाजी निशान है। ये यहां नाफ से लेकर ये नीचे घुटनों तक जो है ये कच्छा पहनते हैं, और कहते हैं ये इफ्फत और पाक दामनी की अलामत, इंसान को इफ्फत पे अमादा करता है। इंशाल्लाह ये चीजें जिक्र करूंगा मैं इंशाल्लाह। चलिए बरात, तो हम ये बात कर रहे थे कि इनके यहाँ तहारत का कोई एहतमाम नहीं, तहारत का कोई एहतमाम नहीं। इस वजह से अगर आपसे, आपके पास से कुछ से गुजर जाए ना, तो चाहे उसने पूरी दुनिया का इतर क्यों ना लगाया हो, उससे एक ऐसी स्मेल आएगी कि अगर आप गौर से सूंघे, फिर गौर से सूंघे, फिर गौर सूंघे, तो बेहोश होने के भी करीब इंसान पहुंच जाता है। बास कौमों से ऐसी स्मेल आती है। राफिजा से मैंने ये स्मेल देखी। मदीना में हम रहे तो जो ईरान के राफजी आते थे, जो वहां से राफजी लोग आते थे, उनसे भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की घिन आती थी। करीब से गुजरने को दिल नहीं करता था। वल्लाहुल मुस्तान, समझ नहीं आती कि क्यों उनसे ही आती थी, ये मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल आती थी, उनकी भी एक खास स्मेल है। इसी तरह जो कुरूत खाते हैं, अफगानिस्तान और इस तरह के इलाकों के लोग जो कुरूत खाते हैं, कुरूत क्या होता है? वो पनीर एक किस्म का होता है, और उस पनीर के अंदर वो पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के उसको खुश करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी बाज खानदान होंगे जो, मतलब ये जो पठान फैमिलीज होती हैं, वो खाते हैं, मतलब वो कुरूत सा जो लोग वो खाते हैं, उनसे भी वो एक अजीब किस्म की स्मेल आती है, खुसूसन गर्मी के मौसम के अंदर। तो तहारत का एहतमाम नहीं, और इसी तरह इनके यहाँ इलाह की सूरत बनाकर लटकाना, मूर्ति बनाकर लटकाना, कोई भी तसव्वुर जहन में पैदा करके, ये भी जायज नहीं है। इसी तरह इनके यहाँ नानक साहब ने शराब को हलाल किया है, खिंजीर के गोश्त को हलाल करार दिया है। दो चीजें हलाल की, शराब और खिंजीर का गोश्त, उनके बकौल इनके बजाम। और गाय का गोश्त जो हलाल था उसे हराम करार दिया है, उसे हराम करार दिया है। क्यों? ताकि जो हिंदू हैं उनकी सपोर्ट हासिल की जाए, हिंदुओं की पुष्ट पनाही हासिल की जाए, और वो जो है वो कम से कम ये है कि इतना समझे कि चले हमारी तालीमात में से कम से कम इस चीज का जो है वो एहतमाम करते हैं। तो ये नाम है इन चीजों को, इस्लामी और हिंदुइज्म का के इम्तिजाज का नाम देते हैं। अच्छा, इनके यहाँ पांच का अदद जो है, पांच, फाइव, पांच का अदद, ये बड़ा आप समझ लें कि मुअज्जम समझा जाता है, और इनके यहाँ इम्तियाजी हैसियत रखता है पांच का अदद। और इसे ये कहते हैं कुक्का, कुक कुक्का, कुक कुक्का का, काफ, काफ से मुराद कुक्का, मुराद काफ, यानी पांच चीजें जिनका आगाज काफ से होता है, जिनके नाम का आगाज काफ से होता है, इस वजह से कुक्का कहते हैं और काफ भी कहते हैं। उर्दू में काफ और कुक्का भी कहते हैं, कुक्का से मुराद भी काफ है, यानी पांच चीजें जिनकी बुनियाद या जिनका आगाज काफ से होता है। कौन कौन सी वो पांच चीजें? ये इनके यहाँ पांच बड़ी अहमियत रखती है, जो इनकी जाहिरी वजाकता जो है उस पर दलालत करती है, और ये इनकी पहचान है आप समझ। सबसे पहली चीज जो काफ वाली है, काफ, उसके अंदर पहली चीज जो है वो है कीस। कीस मैंने जैसे बताया, कीस का मतलब ये है कि बालों को नहीं काटना, बदन के किसी हिस्से से बाल ना काटे जाए ना मूंदे जाए, विलादत से लेकर वफात तक, ये पहली अलामत है। और इसको भी काफ से वो पढ़ते हैं कीस। कीस वैसे सर के बालों को कहते हैं, लेकिन उमूमी इनके यहाँ कीस का लफ्ज जो है वो पूरे बदन के बालों को ना मूंदने पर बोला जाता है। इस वजह से आप देखते हैं जो पगड़ी ऊपर ये बांधते हैं, उस पगड़ी को भी कीस कहते हैं। वो चूंकि अरबी में कीस शापर को कहते हैं, तो वो एक शापर की सूरत ही बन जाती है। तो इतने लंबे बाल, वो पिछले दिनों में एक इनका कोई एक्टर था, पता नहीं क्या था वो, इंडिया में वो कत्ल हो गया, तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था, उसको वो जो दफन कफन दे रहे थे, उसको गुसल दिया उन्होंने, गुसल देने के बाद उसके वो बाल जो है इतने लंबे बाल,
वो पगड़ी के अंदर उसको जैसे जैसे पगड़ी के बाल होते हैं उसके अंदर अंदर ही उसको ऐसे लपेट के वो ऐसे बड़े अजीब से स्टाइल से उसको रखते हैं। तो इसको कहते हैं कीस, पगड़ी को भी और वो जो बाल हैं सर जिस्म के पूरे उसको कीस का नाम देते हैं। लिहाजा ये भी काफ से है, पहली चीज। दूसरी चीज इनके यहाँ है, और ये कहते हैं कि इस वजह से है ये जो इनकी अलामत है ना, इस वजह से कि कई कोई दूसरा हमारे अंदर शामिल होकर जासूसी ना कर सके, वल्लाहु आलम। ये जिक्र किया जाता है, हर चीज जो देखे ना कोई किसी कौम के अंदर जो एक खास चीज अलामत बन जाए, निशानी बन जाए, उसके पीछे पसे मंजर तो होता ही है ना। तो इनका पसे मंजर क्या है इस चीज के अंदर, इनका पसे मंजर ये है, वो कहते हैं कि ये हमारी खास निशानी और अलामत है, हमारी पहचान है, इस वजह से ताकि हम सिख और गैर सिख में फर्क कर सकें और कोई गैर सिख हम में शामिल ना हो सके। और ये बात जेहन में रखें, ये बात जेहन में रखें, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा सिख भी कभी आपको उर्दू बोलता इंग्लिश बोलता नजर नहीं आएगा, कोशिश करते हैं कि वो अपनी पंजाबी जुबान बोले, यहां तक वो अपने आप को दूसरों से नुमाया करने की कोशिश करते हैं, लिबास में, वजाकता में, बालों में, मूंछों में, हम हर चीज के अंदर वो कोशिश करते हैं हम नुमाया। उसके बाद जैसे मैंने जिक्र किया कि वो जुबान के अंदर भी अपने आप को नुमाया करने की कोशिश करते हैं, जुबान भी पंजाबी बोलते हैं, ठोस पंजाबी जुबान बोलते हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे जहां कहीं भी हो, लेकिन दूसरों से ज्यादा जब उन्होंने बात करनी है तो वो तो इंग्लिश में ही करेंगे, लेकिन आपस में जब वो बात करते हैं या मीडिया वालों से बात करते हैं, वो उर्दू में अगर बात कर रहे हैं तो उनसे पंजाबी में वो जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं पंजाबी में ही बात करें, हालांकि उसकी जुबान सुनकर पता चल रहा होता है कि ये बंदा ऐसे जैसे पता नहीं पढ़ा ही हुआ, हालांकि वो उसके पास दुनिया की पता नहीं कितनी डिग्रियां होती हैं, लेकिन बोल वो ठोस पंजाबी रहा होता है, ठोस बोल पंजाबी रहा होता है, अपनी जुबान नहीं छोड़ते, लेकिन अफसोस है कि हम लोग जो हैं वो किस कदर गर्विदा हो जाते हैं किसी दूसरे के, अपनी इस्लामी जुबानों को हम छोड़ देते हैं। दो चीज, एक कीस होगी, दूसरा है किरपाल, किरपाल काफ के कसरा के साथ, किरपाल किरपान, सॉरी किरपाल नहीं किरपान, ये जो किरपान है इसको किरपाल भी बाज कहते हैं, ये एक खंजर होता है छोटा सा, ये खंजर है छोटा सा, आपने देखा होगा अक्सर वो यहाँ लटका के रखते हैं, अक्सर वो यहाँ लटका के रखते हैं और कहते हैं कि ये दिफा के लिए है, ये अपने दिफा के लिए, असल में ये जरूरी नहीं कि वो इससे अपना दिफा करते हैं, वो जो इनके गुरु थे वो असल में ये लटकाते थे और इस कैफियत में ये पूरी अपनी शक्ल उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस है, अफसोस है, हम मुसलमान हम अपने नबी की शक्ल की तरह शक्ल बनाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वो देख ले वो कभी बाल मुड़ते तक नहीं, हालांकि उनको अजियत होती है, ये बहुत अफसोस से कह रहा हूं मैं, उनको अजियत होती है, परेशानी होती है, इंसान बगलों के बाल ना खींचे तो एक अजीब सी कोफत सी आती इंसान को, एक अजीब सी एलर्जी पैदा हो जाती इंसान को कि यार ये क्या है, गर्मी के अंदर जब पसीना आता है तो क्या कैफियत बनती, लेकिन देख ले वो अपने गुरु की इत्तेबा में या उसकी आप समझ लें कि उसको अपना आइडियल और नमूना बनाकर अपनी शक्लें सारी उस तरह बना के फिर, लेकिन हम मुसलमान हम कहते हैं लो जी दाढ़ी रख के तो लोग क्या कहेंगे, मौलवी कहेंगे दाढ़ी रख के लोग क्या कहेंगे, जी देखो ये क्या कर रहा है, दाढ़ी तो देखिए बीवी कहती है जी दाढ़ी मंडवा दो, बीवी कहती है दाढ़िया छोटी कर दो, बिल्कुल छोटी कर दो, फिर अगले महीने छोटी कर दो, फिर अगले महीने छोटी कर दो, और उसे अगले महीने बिल्कुल सर और चेहरे को एक तरह का कर लो, ये कैफियत, ये बहुत बड़ा अलमिया है ये, कि आप देखें कि वो अपनी शख्सियत की तरह अपनी शख्सियत को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नबी कायनात अली सात असलाम को खूबसूरत भी कहते हैं, खूबसूरत भी कहते हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती की तरह अपनी खूबसूरती बनाने की कोशिश नहीं करते। मैं ये दावे से कहता हूं कि ये हो सकता ही नहीं, ये हो सकता ही नहीं कि दाढ़ी के बगैर इंसान खूबसूरत लगे, ये हो सकता ही नहीं, अल्लाह ने जीनत जैसे औरत के अंदर कुछ चीजें अल्लाह ने जीनत रखी हैं, ऐसे मर्द के अंदर अल्लाह ने दाढ़ी को जीनत रखा, जिसने दाढ़ी को मंडवा दिया उसने अपनी जीनत अपने हाथों से कत्ल और ज़बह कर दी, और मेडिकल साइंस जो है वो तो यकीनन इस बात की तायद करती है कि दाढ़ी से इंसान की कुव्वत बहाल होती है, कई चीजें उसके अंदर जिक्र की जाती हैं जो यहाँ हमारे हमारा मौजू नहीं, बहरहाल लेकिन हम इस वजह से मैंने ये बात इस तरफ ले गया कि ये सिख जो है क्यों अपना हुलिया इस तरह बना के रखते हैं,
हालांकि खंजर ये छोटा सा क्या करेगा, लेकिन वो चूंकि उनके गुरु जो हैं वो इस तरह करते थे, अब उस तरह वो उनको करना पड़ता है। ये अलग बात है कि जैसे हमारे यहाँ दाढ़ी मंडवाने वाले हैं तो वहां उनके यहाँ भी दाढ़ी कटवाने वाले मौजूद हैं। तो ये तो बात साफ जा रहा है कि हर मजहब के अंदर कुछ ना मानने वाले भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हम कहें कि आजकल तो जो सिख है वो मंडवा रहे हैं दाढ़ियां, तो लिहाजा ये तो उनका मजहब नहीं। नहीं, जैसे मुसलमान मंडवा रहे हैं तो क्या दाढ़ी हमारे मजहब के अंदर नहीं? तो ऐसा नहीं। चलिए, तो दूसरी चीज है किरपान, इसको किरपाल भी बात बोल लेते हैं, लेकिन किरपान असल लफ्ज है, ठीक है। तीसरी चीज है कच्छा। तीसरी चीज क्या है? कच्छा। कच्छा जो है ये चूंकि गुरु ने पहना था तो इस वजह से ये कच्छा पहनते हैं और ऊपर लिबास पहनते हैं, ऊपर लिबास पहनते हैं, और बाल तो कच्छा पहन के फिर रहे होते हैं। और ये हमने कहा कि नाप से लेकर ये अपने घुटनों तक जो है वो एक मतलब आप समझ लें कि तहबंद की सूरत में, वो एक शलवार की सूरत में होता है, लेकिन थोड़ा उसके घुटनों से नीचे उसकी जो आप समझ लें कि टांगे हैं वो काटी होती हैं उसकी, उसके कच्छे की हाफ हाफ शलवार आप कह सकते हैं। तो ये भी काफ से है, ये भी काफ से, कीस किरपान या किरपाल जिसे कहते हैं, एक कच्छा। और चौथी चीज है कंगा। चौथी चीज क्या है? कंगा। कंगा यहां रखें क्योंकि जब बाल मुंडने ही नहीं, जब बाल काटने ही नहीं है विलादत से लेकर वफात तक, तो फिर कंगा तो होना चाहिए ना। चले शुक्र है कम से कम ये है कि कंगे की सहूलत तो मौजूद है। अगर कंगा भी ना हो तो फिर तो उनके बाल सारे ऐसे ही होंगे जैसे चिड़िया का घोंसला होता है किसी जानवर का। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम कंगा रखा हुआ है। कंगा चले बंदा वक्तन फोक्तन जो है वो करता रहता है, बाल कटवाने तो है नहीं, मुंडने तो है नहीं सर के बाल या कोई भी। चलिए खैर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस के अंदर आता है, मन काना लहू शारुन फलयुकरिम, कि जिसके बाल हो उसे चाहिए बालों की तकरीम करें, बालों की इज्जत करें, मतलब ये है कि उनका ख्याल करें। तो अच्छी बात है, काबिले तारीफ चीज है ये, लेकिन ये काबिले तारीफ नहीं है कि बाल जो काटने वाले हैं मुंडने वाले वो भी ना काटे मुंडे। चार चीजें होगी जी। पांचवी चीज है कड़ा। कड़ा ये भी काफ से है। कड़ा आपने देखा होगा तमाम सिख जो है उन्होंने अपने हाथ में लोहे का कड़ा पहना होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो बस कड़ा उन्होंने पहना होता है। ये इनकी मजहबी अलामत है, इनकी मजहबी अलामत में से एक अलामत है। और कहते हैं कि ये कड़ा जो है ये इंसान को आजिज बनाने के लिए, इसका पस मंजर क्या है कि इंसान को आजिज बनाने के लिए और उसकी शक्ल दरवेशी दरवेशों वाली बनाने के लिए ये उसे पहनाया जाता है, ताकि इंसान आजिज रहे और उसकी दरवेशी उसे जाहिर हो, ये पता चले कि ये दरवेशों की तरह है, दरवेश तो नहीं लेकिन कम से कम दरवेशों की तरह ही बन जाए। लिहाजा वो कहते हैं दरवेश ये कड़े और ये चीजें पहनते हैं, लिहाजा हम भी कड़े पहनते हैं, चूंकि गुरु ने कड़ा पहना था तो इस वजह से हम कड़ा पहनते हैं, तो इस वजह से वो कड़ा पहनते हैं। तो इन पांच चीजों को कुक्का भी कहते हैं, कुक्का बास कहते हैं, कुक्का कहते हैं, काफ कहते हैं क्योंकि ये काफ से शुरू होते हैं। अच्छा जी, ये कहां से आए? ये आए कहां से? ये गुरु नानक से नहीं आए, ये उनके बाद वाले जो इनके गुरु आए हैं, कहते हैं कि इनके दसवें गुरु गोबंद सिंह, काफ वाओ पा नून दाल, गोबंद सिंह ये इनके दसवें गुरु थे। उसने 1699 में, 1699 ईस्वी में उसने इन पांचों चीजों का हुक्म दिया था, लेकिन ये करते सारे आए हैं, ये जितने गुरु गुजरे हैं वो सारे इस तरह की शक्ल बनाते आए, लेकिन हुक्म किसने बकायदा दिया था? हुक्म कहते हैं जी इनका जो दसवां गुरु था जिसका नाम गोबंद सिंह था, उसने जो है इनको हुक्म दिया था 1699 में, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 17वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के आखिर में, क्योंकि 1600 है, 1699 और ये 17वीं सदी का आगाज बनता है, 17वीं सदी का आखिर है और 18वीं का समय ले आप आगाज है, सॉरी, तो 17वीं सदी यानी 1700 आप समझ लेंगे
उससे पहले, और ये सदी वही शुमार होती है, साफ जाहिर है। चलिए जी, तो ये खुलासा है जो आपके सामने मैंने जिक्र किया है। अब हम इसको किताब से कुछ इनकी चीजें इस हवाले से पढ़ते हैं ताकि मजीद इसमें इजाफा हो जाए। तो कहते हैं जी, सिख मत ये कोई बहुत ज्यादा कदीम मजहब नहीं, बल्कि इसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन मजाहब में होता है, क्योंकि इसका नुकता आगाज 16वीं सदी ईस्वी में है और इसका असल माखज हिंदू मत है। ताहम सिख मत की कोशिश रही है कि वो दीगर मजाहब के अनासिर से इस्तेफादा करने के साथ साथ इस्लामी तालीमात के अनासिर को भी अपने अंदर जज़्ब करे, जैसा कि इसकी वजाहत आगे आ रही है। सिख मत की हकीकत क्या है? सिख मत के बारे में आजकल दो नजरिए पाए जाते हैं। बाज़ हजरात की राय यह है कि सिख मत एक जदीद और खुद मुख्तार मजहब है। मैंने कहा कि उसको शक्ल दी जा रही है, कदीम माजी के अंदर जो है वो इसको मजहब तसव्वुर नहीं किया जाता था, इसको हिंदू ही में शुमार करते, लेकिन अब चूंकि एक आलमी शक्ल इख्तियार कर गएंगे और बकायदा इसकी तरवीज भी कर रहे हैं और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से बाद इसको एक मुस्तकिल मजहब करार देते हैं और बाद इसको एक इस्लाही जमात या एक मजहबी जमात जो है हिंदुइज्म की वो करार देते हैं, जैसा कि मैंने आपको जो है वो ये आपके सामने जिक्र किया। कहते हैं कि इन्होंने हिंदुवाना अकायद और नजरियात की इस्लाह का बेड़ा उठाया। सिख मत का बानी कौन है? सिख मत या सिख मजहब जो है, इसके हकीकी बानी का नाम बाबा गुरु नानक, शेखुपुरा के एक कस्बा तलवंडी में पैदा हुआ, जिसका मौजूदा नाम ननकाना साहब, ये उस यानी उस बस्ती का या उस इलाके का। इनके वालिदैन मजहबी तौर पे हिंदू थे, इब्तदाई तालीम बिल्कुल हासिल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मजहब और शेर व शायरी में बहुत लगाव था, कारोबारी और अमली जिंदगी से घबराते थे। मजबूर होकर वालिदैन ने 12 साल की उम्र में शादी कर दी, जिससे इनके यहाँ दो बेटे हुए। मुलाजमत, अब साफ जा रहा है कि जब शादी हो गई है, औलाद है, तो साफ जा रहा है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले अपनी जाती जिम्मेदारियां थी, अब बच्चों की, बीवी की जिम्मेदारियां भी हैं, उनका नानो नफका भी है। तो फिर गुरु साहब ने सोचा कि नानक साहब ने कि अब कोई जॉब भी होनी चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने अपने वालिद की सिफारिश वगैरह से सुल्तानपुर के नवाब दौलत अली खान जो है, ये कोई लगता है खान ही है, दौलत अली खान के यहाँ घरेलू साजो सामान के मुहाफिज के तौर पर जो है वो जिम्मेदारी संभाली और एक तवील अरसे तक जो है उनके साथ जुड़े रहे। उसके बाद वहां से इन्होंने जो है वो छोड़कर, वो जो मुराकबा वगैरह होता है, जैसे वो हमने पीछे पढ़ा था ना उनके अंदर बुद्ध मत के अंदर और बूजिया के अंदर, उसी तरह इसने भी जंगलात में जाके मुराकबा शुरू कर दिया और चिल्ले वगैरह काटने शुरू कर दिए। 30 साल की उम्र में जब बाबा गुरु नानक साहब की उम्र 30 साल के करीब पहुंची, तो सिखों की रिवायात के मुताबिक, यानी वो अब सिखों की है लेकिन पहले तो उसकी जाती तालीमात थी, उन्हें अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। ये कहते हैं कि ये अल्लाह का दीदार हुआ और उन्हें पैगम्बर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया, तो ये उनका पैगम्बर है। और पैगंबरी का ओहदा मिलने के बाद उन्होंने मुलाजमत को खैरबाद कहा, दर बदर जो है वो फिर कर अपने अकायद का प्रचार करने लगे, जहां भी जाते अपने अकायद को, अपने नजरियात को वहां लोगों के अंदर जो है वो फैलाते और उनको बयान करते। हज के बारे में मुख्तलिफ इनके बारे में आरा पाई जाती हैं, बाज कहते हैं हज किया है, बाज कहते हैं नहीं किया, लेकिन सही बात यह है कि हज करने के बारे में कोई ठोस और वाज दलायल मौजूद नहीं है। हज करने के बारे में इनके कोई ठोस और वाज़ेह दलाइल मौजूद नहीं है कि हज किया या नहीं। कहा जाता है कि हज किया है, लेकिन ये कोई वाज़ेह दलील इसकी नहीं है कि हज किया है। वफात कब हुई? गुरु नानक का इंतकाल 70 साल की उम्र में 1539 को में हुआ। अपनी वफात से कुछ अरसा पहले उन्होंने अपने एक मुखलिस मुरीद अंगद को अपने जानशीन की हैसियत से नामजद किया और जानशीनी का ये सिलसिला चलता रहा, चुनाते इंगित ने अपने या अंगद ने अपने बाद अमरदास को अपना जानशीन कायम किया और उसने शहनशाह अकबर से अपने ताल्लुकात इस्तेवार करके, जो दीन अकबरी जिसने ईजाद किया था, जो मुगल बादशाहों में से एक बादशाह था शहनशाह अकबर, जिसने अकबरी दीन भी ईजाद किया था, अकबरी दीन भी उसने ईजाद किया था, उससे अपने ताल्लुकात जो है वो बनाए। और अमरदास के बाद इसका दामाद और मुरीद भी था और दामाद भी उसने बना लिया रामदास। ये जानशीन गोया कि ये फिर दूसरा जानशीन, दूसरा जानशीन है, तीसरा जानशीन है, पहला अंगद है, दूसरा अमरदास है और तीसरा जो है वो रामदास है। ये आगे दास दास ही आएंगे, कारीदास तो रामदास और अमरदास और शुतरदास।
और इसका सबसे आखिरी गुरु जो है वो गुरुवंत सिंह था या गुरविंद सिंह था, जिसने मरते वक्त अपना जानशीन नामजद करने से इनकार कर दिया था। वही मैंने जैसे कहा ना कि उसने कहा कि बस आज के बाद सिलसिला खत्म हो चुका है, मैं आखिरी हूँ, वलयाज बिल्ला, ये खातमुन नबीयीन है, इनमें से इनका खातमुन नबीयीन है, इनका खातमुन नबीयीन है, यानी खातमुल जानशीन है, ये जानशीनों का खातम है। उसने कहा कि मैं आखिरी, मेरे बाद नहीं को आना चाहिए, और कहा कि ग्रंथ को, ये इनकी मजहबी किताब है, ग्रंथ को अपना आइंदा गुरु और रब ताला को अपना वाहिद को हाफिज जो है वो तसव्वुर कर लो। ये ग्रंथ जो है ये हकीकत में इनकी किताब है मजहबी, जो जिसका जिक्र आगे आएगा। सिख मत की तालीमात क्या है? कहते हैं कि सिख मत की तालीमात में जिस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है वो अखुवत और मुसावात का प्रचार है, और ये जुमला गुरु नानक ही का है। वो कहते हैं लल इस्लाम वलल हिंदूसिया, ना सिर्फ इस्लाम ना सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि दोनों को मिलाना चाहिए। वो कहता है दोनों इफरात और तफरीत का शिकार है, हम असल में इतदाल की राह तलाश कर रहे हैं, हमने एक ऐसी राह तलाश की है जो इतदाल की है, यानी इम्तिजाजी है, किस में? हिंदुइज्म और इस्लाम में। लिहाजा वो दोनों को ही इफरात और तफरीत का शिकार समझते हैं, इस वजह से उन्होंने गोया कि ये दरमियानी राह निकाली है मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए। सिख मत बुत परस्ती की शदीद मुजम्मत करता है। सिख इस राम में मुबतला है कि हिंदू मत और इस्लाम दोनों इफरात और तफरीत का शिकार है। 11 अहम उसूल, सिख मत बुनियादी तौर पर खुदा का मुनकिर नहीं और ना ही किसी को खुदा के साथ शरीक ठहराने की तलकीन करता है, चुनांचे इनके मुंदरजा ज़ैल अहम उसूल और तालीमात इसकी दलील हैं। नंबर एक, तौहीद का तसव्वुर। सिख मत का नजरिया तौहीद इस्लामी नजरिया तौहीद से चंदा मुख्तलिफ नहीं, चुनांचे बाबा गुरु नानक माबूद का तसव्वुर पेश करते हुए कहते हैं कि खुदा एक है, उसका नाम सच्चा है, वही कादिर और फाइल मुतलक है, बल्कि वो कहता है कि खालिक और खालिक जो है वो इसको कहना चाहिए, जो कायनात का माबूद है उसे खालिक कहना चाहिए। जी तो ये जो बाबा गुरु नानक इनका है वो ये कहता था कि जो कायनात का माबूद है वो एक है और उसे खालिकुल खल्क कहना चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए? खालिकुल खल्क, यानी मखलूक का खालिक उसे मानना चाहिए, और वो खालिकुल खल्क लकब और या नाम जो है वो अल्लाह ताला के लिए ज्यादा पसंद करता था। तो वो कहता है कि वही कादिर और फाइल मुतलक है, वही बेखौफ है और उसकी किसी से दुश्मनी दुश्मनी नहीं, वो अजली और अब्दी है, बेशक्लो सूरत है, बेशक्लो सूरत है, ये मसला जो है माल नजर है। बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो मसला ना कि बेशक्लो सूरत है, ये मसला माल नजर है। अल्लाह ताला का वजह है, अल्लाह ताला का यद है, अल्लाह ताला की साक रिजल है, कदम है, अहदीस के अंदर साबित है, कुरान करीम के अंदर कई सिफात अल्लाह की साबित है, और हदीस के अंदर आता है खलक अल्लाह आदम आला सूरती, अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया है, यानी जैसे अल्लाह ताला समी और बसीर है ऐसे अल्लाह ने आदम को भी सुनने और देखने वाला बनाया है। लेकिन जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जो है वो इन चीज़ों का मोहताज हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी चीज अपने हक के अंदर ये चीज़ें साबित की हैं, और हम आलू सुन्ना वाल जमा उसको साबित मानते हैं, उसमें किसी किस्म की तावील नहीं करते बल्कि उनको जाहिर पे मामूल करते हैं। लिहाजा ये बेशक्लो सूरत वाला जुमला जो है ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये उन अल्फाज में से है कि जो हक और बातिल को शामिल है, जो हक और बातिल को शामिल है। अगर तो मुराद हमने वहां पढ़ा था कि आलू सुन्ना का अकीदा ऐसे अल्फाज के बारे में क्या है कि उससे तफसील पूछी जाएगी कि आप इससे क्या मुराद लेते हो, अगर वो मुराद सही ले रहा हो तो हम कहेंगे तुम्हारी मुराद सही है, अपने अल्फाज को बदलो, और अगर वो मुराद भी गलत ले रहा हो तो हम कहेंगे तुम्हारी मुराद और तुम्हारे अल्फाज दोनों मरदूद हैं और बातिल। कायम व मिज़ात है, ये वाजिबुल वजूद की ही असल में तफसीर है, कायम व मिज़ात यानी वाजिबुल वजूद जो किसी का मोहताज ना हो, और खुद अपनी तौफीक और रजा से हासिल होता है, खुद अपनी तौफीक और रजा से हासिल होता है, वगैरह वगैरह, यानी मतलब ये है कि उसकी सिफात जाती हैं और खुद ही वो रब्बुल आलमीन गनी है, मुस्तगनी जो है वो गनी है और दूसरों को मुस्तगनी करने वाला है और दूसरे उसके मोहताज हैं लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं, वगैरह वगैरह। इश्क इलाही का तसव्वुर बाबा गुरु नानक तक बुनियादी तौर पर, बाबा गुरु नानक जो है वो बुनियादी तौर पर खुद भी इश्क खुदाबंदी के जज्बे से सरशार थे, इस वजह से चिल्ले काटते थे, और माबूद हकीकी का तसव्वुर पेश करने के बाद वो अपने पैरोकारों से भी इस चीज का मुतालबा करते हैं, तज़किया नफ्स उनके अंदर मौजूद है।
गुरु नानक ने अपनी तालीमात और अपने शायराना कलाम में तज़किया नफ्स के लिए अनानियत, ख्वाहिशात नफसानी, हिर्स और तमा, दुनिया से ताल्लुक और गुस्सा वगैरह से अपने आप को दूर रखने की तलकीन की है और इसे जरूरी करार दिया है। और ये कहा है कि इन चीजों के होते हुए इंसान का मन पाक नहीं हो सकता। मन पाक होता है अनानियत अनाप्रस्ती ना हो, ख्वाहिशात नफसानी ना हो, हिर्स तमा लालच दुनिया से इंतहा दर्जे की मोहब्बत ना हो, सख्त गुस्सा ना हो। ये तालीमात यकीनन इस्लाम की तालीमात है, इसका कोई इनकार नहीं करता। जिक्र इलाही का तसव्वुर, सिख मत में जिक्र इलाही को नाम स्मरण कहा जाता है या सिमरन कहा जाता है, जिसका एक आम तरीका वाहगोरी, जिससे अपने तमाम मशागिल और मसूफियात को बरकरार रखते हुए हर हाल में चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए। और इसका खास तरीका सिख मत में ये है कि सुबह सवेरे नहार मुंह उठकर गुसल वगैरह से फारिग होकर ग्रंथ का मुंतखब कलाम पढ़ा जाए, और बाद सिख नाम सिमरन के लिए तस्बीह भी इस्तेमाल करते हैं, वो खास किस्म के औराद हैं जो करते हैं। तो पहला इनका जो क्या सुबह होते ही गुसल करना है, गुसल होने के करने के बाद इन्होंने ये जो है वो जिक्र इलाही का जो तसव्वुर इनका है वो उसको पूरा करना है। नेक मोहब्बत, खिदमत खल्क और इसके हलाल का तसव्वुर इनके अंदर मौजूद है यकीनन, ये सारी चीजें। तसव्वुर रिसालत, प्रोफेसर लियाकत अली अजीम, जन्म साखी विलायत वाली, सफा नंबर 247 के हवाले से रकम दराज है। मीम, कहते हैं मोहम्मद मन तोल मन किताबा चार मन खुदाए रसूल नू आ मीम मोहम्मद मन तोल मन किताबा चार मन खुदाए रसूल नू सच्चा ई दरबार, यानी हर एक इंसान के लिए अल्लाह वाहिद की तौहीद के साथ साथ उसके अमले रिसालत को मानना जरूरी है, यानी रिसालत का भी इतकाद रखते हैं, रिसालत का भी इतकाद रखते हैं। अरकान इस्लाम का तसव्वुर, सिखों के मजहबी मुकद्दस उनकी जो किताब है ग्रंथ, उसके मुताले से पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खातिर गुरु नानक ने अजान भी दी, नमाज भी पढ़ी, लोगों को ज़कात की अदायगी और रोजा रखने की तलकीन भी की है, खुद हज भी किया जैसे कहा जाता है। तो ये असल में क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि असल में उन्होंने कहा कि ना हमारे मुसलमान दुश्मन रहे और ना हमारे हिंदू जो है वो दुश्मन रहे, और साथ साथ अपने मजहब की तरवीज भी करते रहे, ये बड़ी सियासत है। ये उन लोगों की सियासत है जो कहते हैं तौहीद बयान नहीं करनी चाहिए, जो क्या कहते हैं तौहीद बयान ना करो जी, अल्लाह ताला की वादानियत क्या, सारे मुशरिक बैठे हुए हैं, आप तौहीद 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 शिरक शिरक कर रहे हो, यहाँ कोई सारे मुशरिक हैं कि आप तौहीद की बातें कर रहे हो, तौहीद बयान कर रहे हो। तौहीद के बगैर भी तो लोगों को नमाज की दावत दी जा सकती है, नमाज का कह दो जी, नमाज पढ़ा करो जी, अल्लाह अल्लाह किया करो, नमाज पढ़ा करो, बस काफी है, ये कह दो तौहीद की बात ही ना करो, नमाज को बस नमाज पढ़ा करो। जब नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो तौहीद पे भी लग जाएंगे, वाह क्या कमाल है, अंबिया पहले तौहीद की दावत देते थे और कहता नहीं पहले नमाज की दावत दे लो, कोई बात नहीं तौहीद क्या, वो कौन सा मसला, सारे मुसलमान ही होते हैं। तो उसने कहा कि चले हम एक ऐसा रास्ता तलाश करते हैं ताकि हमारी तरफ किसी की नजर ना जाए और हम अपने मजहब की तरवीज भी करते रहे और हिंदू भी हमारी हमारे खिलाफ ना हो और मुसलमान भी हमारे खिलाफ ना हो। ये कैसा इंतजाजी मजहब उसने तलाश किया और फिक्र तलाश की और अकायद और नजरियात बनाए। कुरान करीम का तसव्वुर, कुरान करीम से मुताल्लिक गुरु नानक के अल्फाज किसी किस्म की बेअदबी लिए बगैर उसकी तारीफ पर मुश्तमिल, और इनका कहना यह है कि मैंने तौरात, जबूर, इंजील और वीदे सब पढ़ी हैं और सुनी हैं, लेकिन कुरान करीम जैसी किताब इस हुए जमीन पर नहीं, और इसी को अल्लाह ताला ने कुल कायनात की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया है, इसलिए तवारीख से मालूम होता है कि गुरु नानक अपने साथ सफर में हमेशा कुरान करीम का एक नुस्खा रखा करते थे जो जिला फिरोजपुर के गुरुद्वारे में आज भी मौजूद है। उसके मलबूसात वगैरह, उसके जुब्बे कुब्बे वगैरह, दीगर उसके जो आप समझ लें कि उनके हाथ तबर्रुकात हैं वो आज भी जो है वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं, कमीज और वो करतार और कृपान किरपान और वो सारी चीजें मौजूद है, पूरा वो सब चीजें मौजूद है। क्यामत का तसव्वुर, क्यामत से मुताल्लिक गुरु नानक का अकीदा इस्लामी नजरिया है क्यामत से कतान मुख्तलिफ नहीं, और वो भी जवाल और फना दुनिया की इसी तरह कायल हैं जैसे मुसलमान है, लेकिन उसके अंदर तनास्खे अरवाह का जो नजरिया वो मौजूद है, तनास्खे अरवाह आवागुण जो है कि रूहें जो है वो दूसरे जन्म में आती हैं, तीसरे जन्म में आती हैं, चीजें उनके अंदर मौजूद है। तो आवागुण का तस्वुर जो है इसके अंदर मौजूद है, बल्कि वो तरजीह देते हैं इस अकीदे को, आवागुण वाले को, तनास्खे अरवाह को। इस वजह से आपने देखा है कि उनके अंदर बाज जो है वो जलाते भी हैं,
वो जलाने का जो है ना जिस्म को, वो भी मौजूद है उनके अंदर रस्म, और इस पे भी अमल करते हैं। गुरु का तसव्वुर, गुरु नानक का अकीदा है कि इश्क इलाही के उसूल और खुदा तक रसाई के लिए किसी ना किसी पीरो मुर्शिद और गुरु से कल्बी इरादत का ताल्लुक होना चाहिए, होना जरूरी है, वरना इन चीजों का हुसूल मुमकिन नहीं। वो कहते हैं कि ये आपको याद दहानी करवाता रहेगा, उसकी तालीमात और आपकी रिपेयरिंग करता रहेगा, डेंटिंग शेंटिंग जो होती है ना वो सारी जो है वो खत्म करके तो पेंटिंग शेंटिंग कर देगा, तो इंसान का दिल जारी रहता है। वही जो सूफिया का अकीदा है ना, वो कहते हैं कि एक तरीका होना चाहिए और उस तरीके का एक खलीफा होना चाहिए, जैसे सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, फलां फलां, नक्शबंदी, उसी तरह ये भी एक तसव्वुर मौजूद है। सिखों की मजहबी किताबें, सिखों की मजहबी मुकदस किताब, किताब का नाम ग्रंथ, जिसे सिखों के पांचवें गुरु अर्जन ने लिखा था। इसके पहले हिस्से का पूरा नाम आदि ग्रंथ है। इसमें नानक के जमाने से पहले मुस्लिहीन और उनकी तसानीफ के इकतेबासात पेश किए गए। मुस्लिहीन यानी इस्लाह करने वाले इस हिंदुइज्म की। ग्रंथ मुकम्मल तौर पे नज़म में लिखी गई है। अलबत्ता नज़म में इस चीज की पाबंदी जरूरी नहीं समझी गई कि तमाम तराशार एक ही वजन पर हो। वजन कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। जैसे वो किसी ने कहा ना, वो पंजाबी का शेर था कि कोई बात हुई तो उसने कहा कि चले खैर मेरे ख्याल में रहने देते हैं उसको, तो बहरहाल चूंकि पंजाबी तो फिर पंजाबी में शेर तो वो हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए रहने देते हैं, उसका भी वजन ऐसे ही है। चलिए, तो कहते हैं कि वजन जो वजने शेर ही होता है ना, शेरों का जो आपस में उनके काफिये मिले होते हैं या उनके आखिरी हिस्से मिले होते हैं या शुरू वाले, या वो नहीं होता, जैसे नूनिया है या इस तरह की दीगर, इब्ने कय्यम का नूनिया है, उसके आखिर में नून आता है, इस तरह बाज लामिया है, बाज मीमिया है, मुख्तलिफ है। ग्रंथ के दूसरे हिस्से को, सॉरी, इसका अक्सर हिस्सा कदीम हिंदी और रस्म उल खत गिर मुखी में, या मुखी में गिर गुरमुखी में तहरीर शुदा है, और कुछ हिस्सा दूसरी जुबानों में। ग्रंथ के दूसरे हिस्से को दसम ग्रंथ कहते हैं या दिसम ग्रंथ, जिसे हम गोबंद भी कह रहे थे, गोबंद या गोंद सिंह ने मुरतब किया, और इसमें ज्यादातर अशआर अल्लाह ताला की तारीफ पर मुश्तमिल है, और कुछ हिंदी शुआरा का मुतफर्रिक कलाम भी उसमें पाया जाता है। ग्रंथ के कुल अशआर की तादाद 3384 है, और रघुवीद से साइज में 3 गुना बड़ी है, और इसमें ये वीदों की जो एक किस्म है ना रघुवीद, उसके साइज में 3 गुना बड़ी, और इसमें बाद अशार ऐसे भी हैं जो तालीमाते कुरानी के यकसर मुखालिफ, उसकी यकसर मुखालिफ। सिखों के फिरके, सिखों में सही बात यह है, पता नहीं इन्होंने किस इतवार से ये फिरके बनाए हैं, मैं नहीं इस चीज को समझ सका। बाकी सिखों के अंदर असल ये कि कोई फिरके नहीं है, वो मुसावात और इन चीजों के अंदर वो कोशिश करते हैं कि कोई फिरका और ये चीजें ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक तहरीक हो सकती है उनकी आगे, जैली तहरीक या तंजीम हो सकती है, लेकिन बकायदा इसके अंदर फिरके नहीं, जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर हैं या मुसलमानों के अंदर हैं या दीगर, इनके अंदर कोई बकायदा इस तरह फिरके नहीं, लेकिन इन्होंने शायद वो अफकार के अतबार से या कोई एक दो चीजों में बात से मुख्तलिफ होने की वजह से बना दिए। नानक पंथी, इस फिरके के लोग जंगजू और लड़ाका नहीं होते, तम्बाकू नोशी और इनके यहाँ ममनू नहीं है, यानी तम्बाकू नोशी ममनू नहीं, और ना ये लोग लंबे लंबे बाल रखने पर इसरार करते हैं और दाढ़ी मंडवाने को तरजीह देते हैं। तो ये लोगों की हालत को देखकर उन्होंने लगता है कि इसकी तकसीम कर दी। उदासी फिरका, इस फिरके के लोग रहबानियत पसंद होते हैं, उदास रहते हैं हमेशा, उदासी फिरके, और इनके उसूल और अकायद में हिंदुओं के राहबाना जो यानी राहिबों के अकायद जो सूफियाना है उनकी बहुत ज्यादा झलक पाई जाती है, क्योंकि उदासी का माना है तारके दुनिया से, इसी वजह यानी तार के दुनिया है, इसी वजह से ये लोग शादी भी नहीं करते और बख्शुओं की तरह खुरदरे पीले कपड़े पहनते हैं या फिर जोगियों की तरह रहते हैं। अकाली फिरका, अकाली का माना है अल्लाह ताला, यानी खुदा की पूजा करने वाला फिरका। इस फिरके के लोग इंतहाई जंगजू होते हैं और दूसरे फिरकों की निस्बत ज्यादा कट्टर अकायद के हामिल होते हैं, यानी ये गोया कि आप समझ लें उनकी मजहबी एक जमात, उन्होंने इसको इस एतवार से मुख्तलिफ करार दिया है। आगे है बंदा पिंथी या बिंदा पिंथी, इस फिरके के लोग बंदाई भी कहलाते हैं, बंदा ही कहेंगे हम, बंदा पिंथी, जिन्होंने बंदा नामी शख्स को अपना 11वां गुरु तस्लीम कर लिया था, हालांकि 10वें ने कहा था कि इसके बाद कोई नहीं आएगा, तो इन्होंने अपना एक अलग गुरु बना लिया,
और आप इसी के अकायद की रहनमाई में जिंदगी बसर करते हैं जो कि बंदा आदमी था उसके अकायद पर। मजहबी फिरका, इसे आम तलफ़ुज़ में अवाम मजहबी फिरका कहते हैं, और इस फिरके के लोग एक खास रस्म के जरिए सिख मत में दाखिल होते हैं, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया है। यानी ये उनका एक खास तरीका है उसमें दाखिल होने का, इस वजह से मजहबी का नाम दे दिया गया। रामदासी फिरका, हमने अभी पढ़ा था रामदास, उसका जो उसने दामाद अपना बना लिया था। तो इस फिरके के लोग सबसे पहले गुरु रामदास के हाथ पर सिख मत कबूल करके इसमें दाखिल हुए, ताहम ये भी इस खास रस्म की अदायगी जोर करते हैं जो मजहब फिरके के लोग सर अंजाम देते हैं, मजहबी पहले वाले जो हैं उनके लिए। सिख मत में दाखिल होने का तरीका, सिखों में ये बात मशहूर है कि कोई भी शख्स सिख खानदान में पैदा होने की वजह से सिख नहीं होता, बल्कि जब वो उम्र के पुख्ता हिस्से को पहुंच जाए तो एक मखसूस रस्म के जरिए वो सिख मत में दाखिल हो सकता है, जिसका तरीका यह है कि एक प्याले में मीठा पानी लेकर उस पर किरपान फेरी जाती है, वही जो छुरा होता है, किरपान वही जो खंजर होता है ना, उस पर फेरी जाती है, और सिख मत के मुतमन्नी शख्स को, यानी जो उसमें शामिल होना चाहता है, उसको अकायद और अवामिर नवाही की तालीम देते हुए उस पर पानी छिड़का जाता है या पानी के छींटे मारे जाते हैं। इस रस्म को इनके यहाँ पाहिल कहा जाता है, पाहिल कहा जाता है हा के साथ। सिखों के शबो रोज कैसे गुजरते हैं, जैसे हमने अभी जिक्र किया था, सुबह सवेरे उठते हैं, गुसल करते हैं और फिर मखसूस अंदाज में दुआएं पढ़ते हैं, जिक्र वगैरह करते हैं, ये उनका है। उसके बाद फिर अपनी दीगर मामलात और मसूफियात के अंदर ग्रंथ को पढ़ने के बाद, दुआएं करने के बाद अपने कारोबार में, अपने मामलात में निकल जाते हैं, ये उनके यहाँ असल चीज है। चूंकि सिखों में अब गुरु का सिलसिला खत्म हो चुका है, इसलिए सिख बरादरी का कोई फर्द भी इज्तिमाई खिदमत सर अंजाम दे सकता है। इस तरह इबादात के सिलसिले में जात पात या इख्तिलाफ जिन्स की कोई कैद नहीं, बल्कि तमाम फिरकों के मर्द औरत इकट्ठे होकर इबादत करते हैं। वही जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, इनके यहाँ को बकायदा फिरके नहीं है, लेकिन इन्होंने बस वो थोड़े इख्तिलाफ को फिरका बनाकर आपके सामने यहाँ रख दिया है। सिखों के गुरुद्वारे, सिखों के गुरुद्वारे पंजाब के अक्सर इलाकों में पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादा इनके इबादत खाने को गुरुद्वारा कहते हैं, इनके इबादत खाने को गुरुद्वारा कहते हैं। तो हमने कहा कि एक वो जो है वो करतारपुर के अंदर है और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में, तो गुरुद्वारे अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर के इजला में है। सिखों के नजदीक सबसे ज्यादा मुकद्दस गुरुद्वारा अमृतसर का तिलाई मंदिर यानी दरबार साहिब और गुरु नानक की जाय पदेश यानी ननकाना साहब है, जहाँ हर साल मुकर्रा औकात पर मेले लगते हैं, और हर सिख की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी के में कम अज कम एक मरतबा तो अमृतसर के गुरुद्वारे में जरूर हाजिरी दे, जिससे मालूम होता है कि गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर सिखों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज है, टेम्पल या टेम्पल जो भी इसको कहा जाता है। सिख मत और इस्लाम का तकाबली जायजा, अखुवत और मुसावात, अखुवत और मुसावात, ये इस्लाम की तालीमात है, लेकिन इस्लाम के अंदर मजहब का तायुन, उसका इम्तियाज और उसकी दीगर चीजें वो नमाया है। तो ये जो दो कौमी नजरिया है ये तकरीबन उससे मिलता जुलता नजरिया है। तो इस्लाम जो है वो अखुवत और भाईचारा और इन चीजों का मतलब, वो आपस में अखुवत और भाईचारा तो है, लेकिन जो ये जिसका नाम देते हैं ये असल में एक और दूसरी चीज है जिसको ये जिक्र करते हैं। तो कहते हैं हुकूमत मुसावा के 10 इस्लामी तालीमात में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके लिए गुरु नानक ने अपनी अमली जिंदगी में बहुत इकदाम किए, ताहम ना कोई हिंदू है और ना कोई मुस्लिम इस्लामी नजरिया मुसावात से बहुत दूर है, और इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिरों का एक ही दीन है, इस्लाम के साथ इनकी कोई हुकूमत और भाईचारा और इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारे वो भाई हैं और ना ही इस्लाम जो है वो रवादारी का सबके साथ एक को बराबर कर देने का दर्श देता है, ऐसा नहीं है। एज ए इंसान, बतौर इंसान के तो सब इंसान इंसान है, लेकिन आगे इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये कायदा और उसूल बता दिया गया कि जो अल्लाह की बंदगी करता है अल्लाह के करीब है, नेक है, और इस्लाम जो कि नासिख है दीगर अदियान के लिए, सब अदियान के लिए उसको मानता है तो वो सबसे मुकर्रम और मोहतरम है, मगर ना उसकी कोई वैल्यू और औकात नहीं। तनासिख इनके अंदर मौजूद है जैसे हमने कहा, लेकिन कहते हैं कि इस्लाम इसको तस्लीम नहीं करता, लिहाजा इस्लाम में ये तनासिख अरवाह का सिलसिला मौजूद नहीं है। बात जो हालात समझते हैं
कि कोई बूंद या कोई वो जो डेंगू की सूरत होती है या कोई कीड़े मकौड़ों की सूरत में या मक्खियों की सूरत में जो है वो रूहें आती हैं। बात जाहिल अमन काम में से ये नजरिया रखते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर नहीं। गुरु की सूरत, सिख मत अपने पैरोकारों के लिए किसी गुरु और मुर्शिद से कल्बी ताल्लुक कायम करने की जरूरत पर जोर देता है। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं। इस्लाम के अंदर हमारे पीरो मुर्शिद अल्लाह के नबी, नबी कायनात हैं। और जो सूफिया के यहाँ ये एक निज़ाम शुरू हुआ है कि बैत जरूरी है किसी सिलसिले की, इसकी कोई असल हकीकत और इसका वजूद इस्लाम के अंदर नहीं। नबूवत और रिसालत मौजूद है, लेकिन जरूरी है कि वो नबी कायनात की नबूवत और रिसालत को माने, गुरु नानक की नहीं, नबी कायनात की नबूवत और रिसालत को माने जो वाकई अल्लाह के नबी और रसूल। खिलाफ फितरत उमूर, सिख मत फितरत के खिलाफ जिहाद करते हुए अपने पैरोकारों को तलकीन करता है कि जिस्म के किसी हिस्से के बाल न तराशे जाएं, जबकि इस्लाम दीन फितरत होने की वजह से हमने इस पे बात कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। चलिए जी, इसके साथ ही ये जो सिख मत है इसका तारुफ खत्म हुआ। और ये है कि चले कम अज कम एक उमूमी इनका जो आप समझ लें कि तारुफ है, एक नक्शा आप लोगों के सामने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ गया होगा, चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक बकसरत लोग मौजूद हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर भी और मालिक के अंदर भी। तो इस वजह से जरूरी है कि इन चीजों को भी हम, इनके नजरियात और इनके अफकार को भी पहचाने। वल्लाहु ताला आलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।